आज हम करेंगे हिंदी का पाठ 9, बंदर और गिलहरी। ये बंदर और गिलहरी की एक छोटी सी कहानी है। देखो, ये एक पेड़ है, पेड़ पर बैठा है ये बंदर। ये बंदर हंस रहा है, कितना खुश है। देखो, इसकी ये है पूंछ, बंदर की लंबी पूंछ। इस बंदर की पूंछ बहुत लंबी है और इसकी लंबी पूंछ पर ये गिलहरी झूला झूल रही है। ठीक है, तो बंदर की पूंछ पर ये गिलहरी झूला झूल रही है, इसी के ऊपर ये एक छोटी सी कहानी है। तो हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। देखो, बंदर और गिलहरी। ये गिलहरी है, ये बंदर है। ठीक है, एक बंदर पेड़ पर बैठा था, बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी। देखो, ये बंदर पेड़ पर बैठा हुआ है ना, ये पेड़ की पत्तियां हैं, ये पेड़ की डाली है, ये पेड़ है, ये बंदर बैठा है इस पर आराम से। तो एक बंदर पेड़ पर बैठा था, बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी। देखो, इसकी ये पूंछ कितनी लंबी है ना, बहुत लंबी। कितनी लंबी पूंछ है, इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। ये देखो, ये इतनी लंबी है कि यदि ये सीधी कर देगी तो जमीन से टच हो जाएगी, तो ये जमीन तक लटक रही थी। फिर एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। ये जो गिलहरी है, ये पहले ये जमीन पर उछल कूद कर रही थी। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। देखो, बंदर पेड़ पर बैठा हुआ है, उसकी लंबी पूंछ नीचे लटक रही है और वहां पर क्या, गिलहरी घूम रही है। तो तभी वह अचानक देखती है, अरे ये तो पूंछ है। अचानक उसे एक पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा, ये झूला कहाँ से आ गया। उसने उस लंबी पूंछ को झूला समझा कि ये झूला लटक रहा है, ये कहाँ से आ गया। थोड़ी देर पहले तो नहीं था, क्योंकि वो तो वहाँ उस जगह पर खेलती रहती है, तो उसे पहले तो वहाँ कोई झूला दिखाई नहीं दिया। फिर वो थोड़ी सी यहाँ वहाँ घूमने लगी होगी, तब उसने थोड़ी देर बाद देखा तो वहाँ झूला लटक रहा था। इसीलिए वह बोलती है, ये झूला कहाँ से आ गया, थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी, तो वह पूंछ पकड़कर उस पर झूलने लगी। ठीक है, जब वह झूलने लगती है तो बंदर को गुदगुदी हुई। ठीक है, तो बंदर को गुदगुदी होने लगती है। उसने नीचे देखा, बंदर ने नीचे देखा। वह हंसकर बोला, बंदर हंसकर बोला, बहन, मतलब बंदर गिलहरी को बोल रहा है, बहन गिलहरी, यह क्या कर रही हो। ठीक है, अब गिलहरी बंदर की पूंछ पर झूला समझ कर झूल रही है। फिर बंदर को गुदगुदी होती है, तो बंदर बोलता है, नीचे देखता है, अरे तो गिलहरी है। तो बोलता है, बहन गिलहरी, तुम ये क्या कर रही हो, मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी, उसने बोला, अरे ये क्या। तो बोलती है, बंदर भैया ये तुम हो। वो बोलती है, अरे बंदर भैया क्या ये तुम हो, मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। ठीक है, उसने समझा ये तो झूला है, तो वो झूलने लगी। बड़ा मज़ा आ रहा था उसको, झूला झूलने बहुत मज़ा आ रहा था। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। जब उसे मालूम पड़ा कि ये झूला नहीं है, ये तो बंदर भैया की पूंछ है, तो वह हंसने लगी और हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी बंदर और गिलहरी की। देखो, इसमें ये कुछ चित्र बने हुए हैं। ये क्या है, ये है कछुआ, है ना, ये है बर्ड, चिड़िया, किस कछुए के ऊपर ये चिड़िया बैठी हुई है। ये फूल लगे हुए हैं, ये पीले रंग का फूल है, ये लाल रंग का फूल है। अब देखो, ये है कुछ गप्पे, कुछ बातें। इसमें क्या है, देखो, बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी जैसे सड़क। ठीक है, हम देखते हैं ना, सड़क बहुत लंबी होती है, उस पर चलते जाते हैं, तो ऐसे ही बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी जैसे कि सड़क होती है। फिर दूसरा है, चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे कि, यहाँ फिलिंदा ब्लैंक से खाली जगह, तो हमने भर दिया जंगल, क्योंकि जंगल बहुत घना होता है ना, जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो हमने बोल दिया कि चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी जैसे कि जंगल घना होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने जंगल लिख दिया। भालू इतना मोटा था, भालू मोटा होता है ना,
तो हम बोलेंगे भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था, जैसे गुब्बारा होता है, जैसे हाथी होता है। तो हम यहाँ पर खाली जगह में गुब्बारा भी लिख सकते हैं और हाथी भी लिख सकते हैं, क्योंकि भालू भी मोटा होता है और भालू के जैसा गुब्बारा भी मोटा होता है, हाथी भी मोटा होता है। तो आपको इसमें से जो पसंद आए आप वो यहाँ पर भर सकते हैं। ऊँट इतना ऊँचा था, देखो ऊँट बहुत ऊँचा होता है ना, तो ऊँट इतना ऊँचा था, इतना ऊँचा था, इतना ऊँचा था, जैसे कि इमारत होती है। आपने देखी होगी ना इमारत, जो आजकल बिल्डिंग बनती है, फ्लैट बहुत लंबी लंबी ऊँची ऊँची होती हैं, तो जैसे इमारत होती है। या हम पहाड़ भी ले सकते हैं, पहाड़ भी बहुत ऊँचा होता है, ठीक है, तो ऊँट के जैसा ऊँचा इमारत भी होती है और पहाड़ भी होते हैं। क्या है, चूहिया इतनी छोटी थी, चूहिया बहुत छोटी है, इसमें उसको छोटा बोला है, चूहिया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, जैसे चींटी होती है, चींटी भी बहुत छोटी होती है ना, और कण जो छोटा सा कण होता है ना, जैसे मिट्टी का छोटा दाना हो गया, रेत का दाना हो गया, कण बहुत छोटा होता है, तो छोटी चूहिया की तुलना हम यहाँ चींटी से और कण से कर सकते हैं। फिर है कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, देखो कुत्ता होता है ना, उसकी पूंछ बहुत टेढ़ी थी, तो उसे बोल रहे हैं कि कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, जैसे जलेबी होती है, जलेबी बहुत टेढ़ी होती है ना, तो जलेबी की तरह टेढ़ी थी। अब देखो ये कुछ खाली जगह है, हम इसको भरते हैं। कोयल की आवाज़ इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी, जैसे शहद होती है, चीनी होती है, तो आप इसमें शहद भी भर सकते हैं, चीनी भी भर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही मीठे होते हैं। ये हो गया चीनी, ठीक है, तो कोयल की आवाज़ शहद और चीनी की तरह मीठी होती है। आप यहाँ शहद भी ले सकते हैं और चीनी भी ले सकते हैं। अब देखो ये क्या है, गुदगुदी, इसके ऊपर क्या है, कहानी में बंदर को गुदगुदी हुई, अपने दोस्त को गुदगुदी करो, पेट पर, पीठ पर, गर्दन पर, हथेली पर, तलवे पर। क्या हुआ, उसको गुदगुदी होगी तो वो हंसेगा, ये जैसे ये है हंस रहा ही 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 ही। अब खुद को गुदगुदी करके देखो अब क्या हुआ, ये आप खुद करके देखेंगे, ठीक है, ये हंस रहा ही 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 ही। क्या करोगे, ये देखो अब क्या करना है इसमें, गिलहरी ने बंदर की पूंछ से झूला झूला, तुम इन चीज़ों से क्या क्या करोगे करके दिखाओ, ठीक है। देखो ये रुमाल है, रुमाल से हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो रुमाल से हम आँख मिचोली का खेल खेल सकते हैं, हम आँख पर बांध देते हैं रुमाल को, फिर हम खेलते हैं ना आँख मिचोली का खेल। एक दूसरा है कि जब हमको जुकाम सर्दी हो जाती है तो हम रुमाल से अपनी नाक साफ कर सकते हैं, और गर्मी जब बाहर बहुत गर्मी होती है तो हम उसको सिर पर भी रख सकते हैं गर्मी से बचने के लिए। फिर दूसरा है पेंसिल, पेंसिल से हम क्या कर सकते हैं, पेंसिल से हम चित्र बना सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, और हम कभी कभी सिर में खुजली भी कर लेते हैं, है ना, तो सिर खुजला सकते हैं। फुटा, यह स्केल, इससे हम क्या कर सकते हैं, देखो फुटा से हम लाइन बनाते हैं ना, तो हम इसे रेखा बना सकते हैं, रेखा मतलब होता है लाइन, और इससे मम्मा पिटाई भी कर सकती हैं, ठीक है, आपके मैडम भी पिटाई कर सकती हैं ना स्केल से। तो ये हो गया हमारा तीनों का हम क्या कर सकते हैं। अब देखो ये क्या क्या, कुछ क्वेश्चन आंसर से हम करते हैं। तुम तो कितनी सारी चीज़ें खाते हो, जैसे दूध, भात, संतरा, केला, इनके अलावा तुम और क्या क्या खाते हो। तो हम क्या खाते हैं, जैसे मैं रोटी, सब्जी, दाल, चावल, मिठाई, काजू, बादाम, गाजर, शलगम, टमाटर, मूंगफली, दही, पनीर इत्यादि खाता हूँ। तो आप जो जो खाते हैं वो इसमें लिख सकते हैं। ये देखो गिलहरी क्या बोल रही है, मुझे तो दूध भात पसंद है, गिलहरी दूध खाती है, भात खाती है, आम खाती है, मूंगफली, गाजर, सेब, अखरोट। तो ये पूछ रहा है गिलहरी क्या खा लेती होगी इसमें से। देखो गिलहरी सबसे ज़्यादा दूध भात खाती है, इसको पसंद है ये, ठीक है, हम बोलेंगे गिलहरी को क्या पसंद है, इसे दूध भात पसंद है। इसके अलावा वो क्या खा सकती है गिलहरी, तो गिलहरी मूंगफली खाती है, पेड़ों की कलियां खाती है, गिलहरी पेड़ पर घूमती रहती है ना, तो पेड़ों पर जो कोमल कोमल छोटी छोटी कलियां होती है ना, ये वो खाती है, ये फल खाती है, हरी सब्जियां खाती है, बादाम खाती है, काजू खाती है, रोटी इत्यादि खा लेती होगी। ये क्या है, बंदर क्या क्या खा लेता होगा, देखो बंदर
फल, सब्जियां, पत्तियां, रोटी, चावल, चना। बंदर को चने बहुत पसंद हैं, तो वो चना, मूंगफली इत्यादि खा लेता होगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर्स। ये है इस पाठ के शब्दार्थ। देखो, जमीन, जमीन मीन्स होता है धरती, और मजा मीन्स होता है आनंद। जैसे जो गिलहरी थी ना, उसको बंदर की जो पूंछ लटक रही थी उस पर झूला झूलने में बहुत मजा आ रहा था, मतलब आनंद आ रहा था। इसी के साथ में हमारा ये पाठ पूरा हो जाता है। इसी के साथ में हमारा ये पाठ बंदर और गिलहरी पूरा हो जाता है।